देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिनभर की। चीता रिटर्न्स रफ्तार के किंग की 70 साल बाद फिर हुई भारत में वापसी। पीएम मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में छोड़े चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर आज देश को स्पेशल गिफ्ट दिया है। नामीबिया से स्पेशल विमान के जरिए भारत लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क के स्पेशल बाड़े में छोड़ दिया है। क्योंकि पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बना वाराणसी, पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों को जताया आभार। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एससीओ के नेताओं ने वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में समर्थन दिया। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक से हड़कंप, टीआरएस नेता ने काफिले के आगे खड़ी कर दी कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक का मामला सामने आया है। तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर हैदराबाद पहुंचे अमित शाह के काफिले के सामने अब टीआरएस नेता की कार आने से हड़कंप मच गया। मोदी को मिले उपहारों की आज से होगी ई नीलामी। ई नीलामी से प्रस्तुत धनराशि नमामि गंगे मिशन को दान दी जाएगी। वक्फ एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने का मामला हाईकोर्ट ने मांगा ये जवाब। वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने का मामला अदालत में है। अब इसी मामले में जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 नवंबर तक जवाब मांगा है। टॉयलेट के पानी से बेच रहा था सब्जी, वीडियो देखा तो कबूला गुनाह, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिला, जहां एक सब्जी बेचने वाले युवक ने सब्जी का भर पेशाब कर सब्जी बेच रहा था। युवक की इस हरकत को एक संगठन से जुड़े युवक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, कुछ लोगों को बुला लिया। शख्स को उसका वीडियो दिखाया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र खाद्य औषधि प्रशासन का बड़ा फैसला, जॉनसन बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस रद्द। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मुंबई के मुलुंड में जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के जॉनसन बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। पीएम मोदी की सभा से वापस लौट रही महिलाओं की बस पलटी, 10 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आयोजित पीएम मोदी की सभा में आई महिलाओं की बस हादसे का शिकार हो गई। पीएम की सभा से लौटते वक्त बस पलट गई। बस में 30 महिलाएं सवार थीं। बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते पकड़े गए बिजली कर्मचारी, पुलिस ने की कार्रवाई। राजधानी भोपाल की लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भानपुर चौराहे के पास चाय की एक गुमटी पर 9000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बिजली कंपनी के 2 लाइनमैनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 2 दिन में हो सकती है मानसून की विदाई। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने अभी मौसम परिवर्तन के संबंध में कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आगामी 2 दिनों में मानसून की मध्य प्रदेश से विदाई हो जाएगी। एमपी चीता प्रोजेक्ट, चीतों पर शुरू हुई सियासत, जीतू बोले कांग्रेस लाई थी चीते लाने का प्रस्ताव, जयराम रमेश ने किया ट्वीट। जहां एक और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को शनिवार को शानदार बनाने की शुरुआत कर दी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जीतू पटवारी ने ट्वीट करके चीता प्रोजेक्ट को लेकर सियासत शुरू कर दी है। कि चीतों की खूबियों से रूबरू होंगे भोपाल के नागरिक। 70 साल बाद देश में चीते फिर लौट आए हैं। श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को बाड़े में छोड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्त का संग्रह कर एमपी ने बनाया रिकॉर्ड, पूर्व मेयर सहित बीजेपी युवा मोर्चा ने किया रक्तदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को मध्य प्रदेश में रक्त संग्रह का रिकॉर्ड बनाया गया। विभिन्न प्रदेश के 1000 से अधिक स्थानों पर शिविर लगाकर 25,000 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। अंतुल्ला खान के घर में छापे के बाद हंगामा, घर के बाहर रिश्तेदारों ने किया एसीपी पर हमला। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को राजधानी से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की एक विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया है।
कोर्ट की जज ने कहा महिलाएं ज़्यादा भावुक होती हैं, उन्हें माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट की जज ने कहा महिलाएं स्थिति से अभिभूत होकर शायद अधिक भावुक हो जाती हैं। जस्टिस साशा मेनन ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आयोजित विदाई समारोह में ये बात कही। 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाली जस्टिस साशा मेनन ने कहा कि महिलाएँ स्टील की तरह मजबूत होती हैं। RSS की पत्रिका पांजन्य के पत्रकार को सिरतन से जुदा करने की धमकी, लिखा बंद करो इस्लाम के खिलाफ रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका पांजन्य में काम करने वाले पत्रकार को सिरतन से जुदा करने की धमकी मिली है। निशांत कुमार नामक इस पत्रकार को व्हाट्सएप पर यह धमकी भरा मैसेज मिला है। नदी में अचानक आया पानी, स्कूल से लौट रहे 30 बच्चे फंसे, ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल से घर लौटते समय 30 बच्चे मोरन नदी में फंस गए। स्कूली बच्चे जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे अचानक बाढ़ का पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने पर बच्चे नदी में स्थित पत्थर पर चढ़कर बैठ गए। देश में बुधनी बखेड़ा में तीसरी टनल का लाइनिंग का काम पूरा, यात्रियों का समय बचाएगी रेलवे लाइन। मध्य प्रदेश के बुधनी बखेड़ा रेल लाइन परियोजना की तीसरी टनल में लाइनिंग का काम शुरू हो गया है। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से नई दिल्ली और चेन्नई के बीच ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। मोहम्मद जुबेर को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, गिरफ्तार होने पर परिवार से अपना मोबाइल फ़ोन लैपटॉप नष्ट करने के लिए कहा। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबेर की याचिका का विरोध किया। याचिका में जुबेर ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए उपकरणों और दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी। जब्त की गई वस्तुओं का रोहिणी में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा रहा है। सलूजा ट्रेडर्स पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स D67 सुंदर नगर अशोका गार्डन भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स पता स्टेशन रोड अशोका गार्डन भोपाल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन पर लगाई झाड़ू, दिया स्वच्छता का संदेश। आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वहीं इस मौके पर देश के तमाम नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनोखे तरीके से मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाई और स्वच्छता का एक व्यापक संदेश दिया है। हिजाब नहीं पहनने की सज़ा, खौफनाक मौत। ईरान में पुलिस की पिटाई से कोमा में चली गई थी 22 साल की अमीना महसी, थम गई सांसें। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर एक 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी को पुलिस ने इस कदर बर्बरता से पीटा कि वह कोमा में चली गई, जहां उसकी मौत हो गई है। ईरान में नैतिकता के आधार पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद महसा अमीनी के कोमा में जाने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर विवाद शुरू हो गया है। CTC घोटाला केस में दिल्ली कोर्ट पहुंची CBI, जमानत रद्द करने की मांग। IRCTC घोटाला मामले में CBI ने दिल्ली कोर्ट का रुख लिया है। इस मामले में CBI ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। CBI का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्ला खान 4 दिन की पुलिस हिरासत में। आप विधायक अमानतुल्ला खान को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। ACB ने कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बारिश से 22 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट, देश के अन्य राज्यों का हाल। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण कई घरों की दीवारें टूट गई, इसमें 22 लोगों की मौत हो गई। IMD ने राज्य में और बारिश की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत को मिलने जा रही अहम वैश्विक जिम्मेदारियां, जानिए क्या होगा असर। भारत के पास होगी इनकी कमान। G20 की अध्यक्षता भारत को इस साल दिसंबर में मिलेगी और अगले साल नई दिल्ली में इसका समिट होगा। SCO की अध्यक्षता में भी भारत के पास आ गई है, इसका समिट भी अगले साल भारत में ही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी इस साल दिसंबर में भारत को मिलेगी। G7 में भी भारत के शामिल होने की बात कही जा रही है और ऐसा होता है तो ये G8 हो जाएगा। इसी महीने भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।